Good afternoon, everyone. Today our team is going to present a skit on the topic World Earth Day, International Earth Day, and through this drama we are going to show you the consequences of the negligence of towards the depletion of the natural resources as well as the threat which are causing to the environment. Environment is a place where we all meet, where we all share a mutual thing, and it's the place which we have in common. So today we are going to present our skit, and we are going to show you the year 2018. What is happening? अरे जितान तू क्या कर रहा है? होली है ना, होली मनाते हैं। अरे हाँ, होली 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 अभी आया। बंद तो कर जाता है। अरे बहुत पानी है अपने पास, चल चल होली खेलने के लिए। अरे आओ 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 होली आओ 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 आज पानी नहीं बचाएंगे तो भविष्य में क्या बचेगा? अरे भविष्य की छोड़ यार, वर्तमान ही तो सोच ले तू। अरे यार, देख रहा हूँ आप पढ़ने से ये लोग पानी बहा रहे हैं। हमारे धरती में ही पानी है, हमारे शरीर में पानी है, हमारे कपड़ों में पानी है, फिर भी देखो क्या होगा तो भविष्य में अगर भी पानी है। अरे बेटा ले, आज होली है, मेहमानों के लिए खाना बनाना है तेरी मम्मी को, जल्दी ले आ। अरे ये स्कूटी की चाबी कहाँ ले जा रहा है? पापा भी तो अपने कहा था नमक लेके आना है। अरे पाकिस्तान से थोड़ी लाना है, पीछे वाली गली से लाना है। और पीछे वाली गली दस कदम दूर है। अरे क्या बात कर रहे हैं बेटा, पेट्रोल फूकता रहा तू ऐसे ही, फिर तेरे बच्चों के लिए कुछ नहीं बचेगा। आप मुझे बताओ, जाने नहीं आने वाले, जाऊंगा। बेटा ऐसे मत बोल, सुन मेरी बात ध्यान से, आज हम जितनी हमारे पास रिसोर्स है आज वेस्ट कर देंगे तो हमारे फ्यूचर में क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए हमें सबको। आप ये सब मुझे मत बताओ, जाऊं ना जाऊं ये बताओ। चल जा, चले जा। तो देखा आपने, हम अपने बच्चों को कैसे प्यार में आके उनको कुछ भी दे देते हैं और उनकी छोटी छोटी गलतियों को हम निग्लेक्ट कर देते हैं। ऐसी छोटी छोटी गलतियों से ही आगे जाके हमारी सारी रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगी। जैसे कि सबने सुना है बूंद बूंद से सागर बनता है, तो छोटी छोटी गलती से ऐसा प्रॉब्लम का सागर आएगा कि हम उसे आगे नहीं झेल पाएंगे। देखा आपने, हम इंसानों की इतनी गलतियों की वजह से हमारी धरती माँ और गंदी होती चली जा रही है। जब तक हम मन से स्वच्छ नहीं होंगे तब तक हमारी धरती कभी साफ नहीं हो सकती। अभी तो उन्होंने कचरा यही फेंक दिया, पर लेकिन अभी जानवर गाय आएंगे, वो उसे खाएंगे, वो मर जाएंगे, और फिर आगे हमें दूध कैसे मिलेगा और भी सारी चीजें कैसे मिलेंगी? तो देखा आप सब लोगों ने, नल खुला है तो खुला है, कचरा पड़ा है तो पड़ा है, और बेटे की ऐसी बातें सुनकर बाप को बोलने का मन ही नहीं कर रहा है। तो आप एक बात रखना हमेशा ध्यान मेरी, कि अगर स्वच्छ नहीं रखा अभी अपने धरती को तो धरती बन जाएगी एक सपना। और आइए अब देखते हैं 2035 में भविष्य हम अपना। हेलो कबीरा स्पीकिंग। एक तो आए कि नहीं वापस? रामू काका जी, मालिक चिंटू आ गया क्या? नहीं मालिक, चिंटू बाबा तो घर नहीं आए अभी। भैया हेलो, हाँ जी कबीरा जी, पता चला कहाँ है तेरे बेटा? ले उसकी आवाज सुन, बोल बे पापा, चिंटू बेटा है, ठीक हो रहा? सुन
अगर अपने बेटे को सिंगल पीस में वापस चाहते हैं जैसा हम कहेंगे वैसा करना पड़ेगा जी। बोलिए, अब हमारी अगली कॉल का इंतजार कर। क्या हुआ मालिक? चिंटू को कबीरा ने किडनैप कर लिया। क्या? चिंटू को कबीरा ने किडनैप कर लिया। क्या? चिंटू को कबीरा ने किडनैप कर लिया। क्या? अरे बहरा है क्या? ठीक है मालिक, लेकिन अब क्या करेंगे? अब उनके अगली कॉल का इंतजार करना पड़ेगा। सुनो मेरे शेरो, बहुत बड़ी डील है, बहुत सारा माल मिलने वाला है, संभाल के लाना माल को। संभाल पाओगे ना? मैं तुम्हें जगह बताने वाला हूँ कहाँ से लाना है। टेक्निकल रोड है, उसके पीछे एलियन कॉलोनी है, ऊपर वॉल्यूम 33 पर रोड के नीचे अमिताभ बच्चन का मंदिर है, वहीं पर हो, वहीं पर सामान देंगे वो, वहाँ पे बच्चे को छोड़ देना और सामान ले आना। ठीक है, उसको फोन मिलाते हैं। सुन, हाँ जी बोलिए। सुन, मैं जगह बता रहा हूँ जहाँ से सामान लाना है। टेक्निकल रोड के नीचे एलियंस कॉलोनी है जी, है उसके ऊपर वॉल्यूम 33/4 के नीचे अमिताभ बच्चन का मंदिर है। हाँ जी हाँ, वो भी है, वहीं पे तुझे सामान देना है। अब सुन, सामान क्या लाना है? हाँ जी बोलिए। मुझे तेरे बेटी के रिहाई के लिए पूरे एक 1000 रूपए। अरे पेटीएम नंबर बोलिए अपना। अरे रुक, पूरे एक लाख। अरे अभी चेक भेजता हूँ, बोलिए। अबे रुक, मुझे पूरे एक एक करोड़। अरे एक करोड़ चिंटू के लिए तो एक करोड़ भी दे दूंगा, आप भेज दीजिए। अबे रुक, तुझे बेटा चाहिए के? हाँ जी हाँ बोलिए प्लीज। सॉरी, मुझे पूरे एक टैंकर पानी चाहिए। एक टैंकर पानी? हाँ, इस जमाने में एक टैंकर पानी कहाँ से लाऊंगा मैं? लगता है तुझे तेरा बेटा प्यारा नहीं। प्यारा तो है, लेकिन एक टैंकर पानी इम्पॉसिबल सी बात है। सुन कभी एक बार बोलता है, उसके बाद सुनने वाला नहीं बसता। सॉरी कबीरा जी, अब मुझे कुछ ना कुछ करके लाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कल शाम 5 बजे पानी लेके पहुँच जाना। पानी पहुँच जाएगा? एक सेकंड बोल। चिंटू की मम्मी बोल रही है उसके बैग में चॉकलेट आपने खिला दी। अबे मजाक सुन रहा तुझे? चिंटू रात को सोएगा तो उसे लोरी सुनने के आया था, आपको सुना देना। तू कहे तो अभी उसको परमानेंट सुना दूं। नहीं सॉरी कबीरा जी। क्या हुआ मालिक? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने एक टैंकर पानी मंगाया है। हे माँ माता जी, एक टैंकर पानी ये कहाँ से लाएंगे? अब उसके लिए मुझे आखिरी तरीका अपनाना पड़ेगा, मेरे स्विस वाटर अकाउंट से सारा पानी निकाल दो। सारी जायदाद भेज दो, कहीं से एक टैंकर पानी करना ही पड़ेगा। जी मालिक, अभी इंतजाम कर दिया। लगता है यही जगह है वो जहाँ कबीरा जी ने बुलाया था। मालिक लग तो रही है, ये लग रहे हैं गुंडे। हाँ, ये तो अव्वल दर्जे के गुंडे लग रहे हैं। हाँ जी लिया है, चिंटू को लिया है, टैंकर को भी ले आया। चिंटू दे दो पहले, एक आपकी टैंकर दे दो, एक आपके बच्चा ले दो। मतलब बच्चा लो, टैंक दो बच्चे अपने बाप के पास। पापा पापा अरे पता नहीं, अभी तक कोई खबर नहीं है, पता नहीं बेबी का क्या हुआ होगा, अभी तक कुछ खबर नहीं। अरे चिंटू तू ठीक है ना? रामू चिंटू के लिए एक गिलास पानी लेके आओ। मालिक सारा पानी तो किडनैपर्स को दे दिया, बाबा के लिए रेडबुल ले आऊं? ले आओ। चलो ठीक है दादाजी, मुझे बहुत समझ में नहीं आई, पापा ने मेरे रिहाई के लिए पानी क्यों दिया था? मैं तो पिक्चरों में देखा है कि कोई किसी को किडनैप करता है तो पैसे मांगता है, लेकिन उन्होंने पानी क्यों दिया? अरे बेटा अब कहाँ वो जमाना, अब आजकल तो पानी की कीमत पैसों से भी बहुत ज्यादा हो गई है, ये तो बहुत लंबी कहानी है। मुझे बताइए दादाजी, हम इंसानों ने समय रहते तो पानी की कीमत समझी नहीं, हम पानी बर्बाद करते चले गए। आज देखिए हमारा और आपका भविष्य पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। बेटा ये हमारे बुरे कर्मों का ही फल है जो तुम आज भुगत रहे हो। ऑक्सीजन मास्क ले लो, ऑक्सीजन सिलेंडर ले लो। सुबह से एक भी सिलेंडर मास्क नहीं बिकाए, ना ही बिकाए ऑक्सीजन मास्क। मालिक लगता है बार ऑक्सीजन सिलेंडर वाला आया है। रामू आज दाम पता चलते हैं, वैसे भी सिलेंडर खत्म हो रहे हैं घर में। हाँ सिलेंडर वाले कितने के दिए सिलेंडर? 5000 का एक। अरे अरे बहुत महंगा दे रहे हो मालिक, हम तो ऑक्सीजन मंडी से ले आएंगे भाई। कुछ तो कम भाई, मैं मंडी से लेके आया हूँ, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है तो इसके दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। रामू उसकी बात तो सही है, सिलेंडर खत्म हो रहे हैं, 4 सिलेंडर ले। जी मालिक, पेटीएम नंबर बोलो अपना। 9999999 बड़ा बढ़िया नंबर है। देखा आपने कैसे हमें लगता है कि हमारे चारों तरफ हवा ही हवा है, लेकिन तुम्हें पता है इस हवा में कितनी हवा हमारे काम के लिए है? जितनी हवा हमारे काम की है उसको कम से कम वेस्ट बर्बाद ना कीजिए। आगे जाके क्या पता आप जैसे आज सब्जियां खरीदते हैं वैसे आपको हवा खरीदनी पड़े, तो संभल के इस्तेमाल कीजिए।
अब इसे कैसे बताऊं, इस जमाने में जानवर बहुत कम है और दूध की कीमतें आसमान को छू रही है। इस प्रदूषण ने कितनी सारी प्रजातियों को विलुप्त कर दिया है। अगर हमारे पूर्वज 30-40 साल पहले पर्यावरण के बारे में सोचते तो आज ये दिन देखना ना पड़ता और जो चीजें हमें नेचर से मिल रही थी उसके लिए आज हमें संघर्ष न करना पड़ता। तो देख रहे हैं आप लोग ये भविष्य, जैसे पानी की एक एक बूंद मिलकर सागर बना सकती है वैसे ही एक एक बूंद कम होके खाली भी हो सकती है, इसलिए जरूरी है पानी की एक एक बूंद को बचाना। हमारे पूर्वज हमारे बारे में सोच के गए थे, इतना सबके पास दो दो बीघे जमीन तो होगी, सबके पूर्वज उनके लिए जमीन छोड़ के गए हैं, कुछ ना कुछ तो छोड़ के ही गए हैं, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं इस बारे में जरूर सोचिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये धरती हमें हमारे पूर्वजों से नहीं मिली है, ये हमने अपने आगे आने वाली पीढ़ियों से उधार मिली है, इसको हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एनीसन विच डिस्ट्रॉयज इट्स सॉइल डिस्ट्रॉयज इटसेल्फ। द ट्रीज आर द लंग्स ऑफ अवर नेशन। द फॉरेस्ट प्योरिफाइज द एयर एंड प्रोवाइड फ्रेश स्ट्रेंथ टू अवरसेल्फ। सो प्लीज सेव फॉरेस्ट। ये भविष्य सिर्फ आपका या हमारा नहीं बल्कि हम सब में से किसी का भी हो सकता है, तो अब निर्णय आपका है, आपको क्या चाहिए, एक हरी भरी धरती या फिर तकनीक और कंक्रीट के जंगलों से भरा धरती जहाँ पे हवा पानी और खाने का कोई साधन नहीं बचेगा। निर्णय आपका है। धन्यवाद। जय हिंद।